आज हम बनाएंगे महाराष्ट्रियन फेमस चाट, महाराष्ट्रियन स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा पेटिस। रगड़ा पेटिस का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, बहुत ही चटपटे और बहुत ही मजेदार। हेलो फ्रेंड्स, स्वाद की दुनिया में आपका स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। रगड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूखे मटर लिए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसमें एक ग्लास पानी डालेंगे, या फिर एक कटोरी मटर के लिए आप इसमें चार कटोरी पानी डालें। अब हम इसे 10 घंटे के लिए भिगो देंगे, या फिर आप इसे ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। ऐसा सॉफ्ट स्मूथ रगड़ा बनने के लिए मटर का ज्यादा समय के लिए भीगना जरूरी है, इसलिए आप इसे 10 से 12 घंटे के लिए भिगोए या फिर ओवरनाइट भिगो दे। 10 से 12 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये मटर अब बहुत अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब हम इन्हें धो लेंगे अच्छी तरह से। मैंने मटर को अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और एक चौथाई चम्मच हम इसमें खाने का सोडा डालेंगे। इससे रगड़ा बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनता है। अब हम इसमें एक ग्लास पानी डालेंगे, या फिर एक कप मटर के लिए आप इसमें 3 कटोरी पानी डालें। अब हम इसे ढककर कुकर में लगाकर इसकी 3 सीटी करेंगे। पहली 2 सीटी हम हाई फ्लेम पर करेंगे और तीसरी सीटी हम लो फ्लेम पर करेंगे। इससे रगड़ा बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनता है। कुकर में लगाकर मैंने इसकी 3 सीटी कर ली है। मैंने इसकी 2 सीटी हाई फ्लेम पर की है और तीसरी सीटी मीडियम फ्लेम पर की है। मटर के दाने पकने में बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। अगर मान लो 3 सीटी में आपका रगड़ा अच्छी तरह से नहीं बनता है तो आप 1 या 2 सीटी और कर ले। लेकिन थोड़ा सा खाने का सोडा डालने से 3 सीटी में ही रगड़ा बहुत अच्छी तरह से बन जाता है। और अब हमें इसे मैश करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से बना है, मतलब हमें इसे पूरा भी मैश नहीं करना है। ऐसा कुछ मैश रखना है और कुछ थोड़े से दाने दाने भी रहना चाहिए, तभी रगड़ा टेस्टी लगता है। अब हम इसे मैश नहीं करेंगे। मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म करने के लिए रखी है। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ये ऑयल अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें राई डालेंगे, अब हम इसमें जीरा डालेंगे, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया है जिसे कि बारीक टुकड़ों में काट लिया है मैंने। थोड़ा सा सुनहरा होने देंगे हम इसे। आप देख सकते हैं ये प्याज अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट और 1 चम्मच अदरक की पेस्ट, मतलब ये 2 चम्मच पेस्ट डालेंगे हम इसमें। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, और 1/2 छोटा चम्मच हींग डालेंगे हम।
हम इसमें दो बड़े लाल टोमेटो डालेंगे। साथ में नमक भी डालेंगे। नमक डालने से टोमेटो जल्दी ग्रिल हो जाते हैं, लेकिन आप नमक जरा ध्यान से डालें, क्योंकि रगड़ा बॉईल करते समय भी हमने उसमें नमक डाला है, इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। अब हम इन टोमेटो को ग्रिल होने देंगे, हम इन्हें अच्छी तरह से ग्रिल होने देंगे। आप देख सकते हैं कि यह टोमेटो भी अब बहुत अच्छी तरह से ग्रिल हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे। अब हम इसमें ये रगड़ा डालेंगे। साथ में हरा धनिया भी डालेंगे। अब हम इसमें आधी से एक कटोरी पानी डालेंगे। हमें इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि रगड़ा थिक ही होता है। अब हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देंगे। अब हम इसे खोलेंगे। आप देख सकते हैं हमारा रगड़ा पूरी तरह से रेडी है और इसकी कंसिस्टेंसी भी कितनी परफेक्ट बनी है। अब हम गैस बंद करेंगे। हमारा रगड़ा रेडी है। रगड़ा पेटीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 8 बॉइल आलू लिए हैं और ये 8 ब्रेड की स्लाइस ली है। हम जितनी क्वांटिटी में आलू लेते हैं, हमें उतनी ही क्वांटिटी में ब्रेड की स्लाइस लेना है। उससे क्या होता है कि पेटीज की बॉन्डिंग बहुत अच्छी आती है, पेटीज बहुत बढ़िया बनते हैं। ब्रेड कम हो जाए तो पेटीज लूज पड़ जाते हैं, वो अच्छे से नहीं बनते हैं। अब हम इन ब्रेड को मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। ये हाथ से भी बारीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें अच्छी तरह से होते हैं। आप चाहो तो इसकी ये किनारे निकाल सकते हैं, न भी निकाले तो कोई बात नहीं। इस तरह से अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। अब हम एक परात लेंगे और इन सभी आलूओं को ग्रेट करेंगे, ताकि इसमें लम्स ना रहे, गुठली ना रहे। इस तरह से इसी तरह से हम ये सभी आलू ग्रेट कर लेंगे। मैंने ये सभी आलू ग्रेट कर लिए हैं और ये ब्रेड क्रम्स भी बना लिया है। आप देख सकते हैं ब्रेड को हाथ से ऐसे चुरा करने की बजाय आप उसे मिक्सर में से ही करें तो वो बहुत अच्छी तरह से बारीक होते हैं। आप देख सकते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार और ये ब्रेड क्रम्स इसमें डालकर इसका आटा लगाएंगे। हम रोटी बनाने के आटे के जैसा अब इसका आटा लगा लेंगे। इस तरह से अब हम थोड़ा सा तेल लगाकर इस आटे को सॉफ्ट बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये आलू और ब्रेड का आटा कितनी अच्छी तरह से बना है, ये देखिए। अब हम इसके पैटीज बनाएंगे। इस तरह से आप पैटीज की साइज अपने अनुसार छोटी या बड़ी रख सकते हैं। इसी तरह से हम ये सभी पैटीज बना लेंगे। पहले हम सभी पैटीज बना के रख लेंगे और फिर इन्हें शेलो फ्राई करेंगे।
इस तरह से। मैंने गैस पर तवा गरम करने के लिए रखा है। अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप देख सकते हैं। और अब हम ये पेटीज इस पर रोस्ट करेंगे। इस तरह से। अब हम इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। पेटिस रोस्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है, बस इतना सही। अब हम इन्हें पलटेंगे। और दूसरी साइड भी इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। अब ये पेटीज दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए, हम ये सभी पैटीज निकाल लेंगे। हमारे पैटीज रेडी है, आप देख सकते हैं। अब हम रगड़ा पैटीज सर्व करेंगे। रगड़ा पैटीज सर्व करने के लिए हम ऐसी डीप प्लेट लेंगे। अब हम पैटीज रखेंगे। अब हम इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा रगड़ा डालेंगे। अब हम इसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी की रेसिपी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या फिर मेरे स्वाद की दुनिया चैनल पर भी देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर हरी चटनी डालेंगे। हरी चटनी की रेसिपी भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैं लिंक दे रही हूं, या फिर मेरे स्वाद की दुनिया चैनल पर भी देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर बारीक कटा प्याज डालेंगे। अब हम बारीक सेव डालेंगे। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे। हमारे महाराष्ट्रियन फेमस रगड़ा पेटिस रेडी है, आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही नई रेसिपीज के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।